हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इन दिनों जेनिथ क्लासेस चैनल भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप लोगों के सपोर्ट से इस पे 1000 से अबव सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू आपके सपोर्ट के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए और इतने अच्छे अच्छे और पॉजिटिव कॉमेंट्स के थ्रू मोटिवेशन के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेन रीज़न यही था ये वीडियो बनाने के पीछे कि मैं आप सब लोगों का धन्यवाद कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एक और बात जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि आप लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि मैम आप डायरेक्ट आंसर बता देते हो, एक्सप्लेन नहीं करते। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनने वाला कोई भी क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होता, वो एक पूरे चैप्टर को लीड करता है, एक कॉन्सेप्ट को लिए होता है। तो उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जाने से बेटर है कि हम उस कॉन्सेप्ट को समझें जहाँ से वो क्वेश्चन बना है, क्योंकि अगर सिलेबस सेम है तो नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन वहीं कहीं से बनेगा। तो कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा बेटर है। और एक 5 से 10 मिनट की वीडियो में 30 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना या समझाना, इट्स नॉट ईजी और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। बट अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इन फ्यूचर ये कोशिश ज़रूर करूँगी। और एक लास्ट बात, कि कुछ लोगों को डाउट रहता है कि इस चैनल पे जो कंटेंट डाला गया है वो ऑथेंटिक है या नहीं, तो मैं 99% गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो भी कंटेंट डाला जाता है वो ऑथेंटिक है। और मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि ये जो पेपर सॉल्व किया जा रहा है ये ऑथेंटिक आंसर की के साथ सॉल्व किया जा रहा है। तो जो भी कंटेंट डाला जाएगा वो ऑथेंटिक होगा, उसी आंसर की का यूज़ किया जाता है जो बोर्ड रिलीज़ करता है। बोर्ड पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसके बाद आंसर की रिलीज़ करता है, उसके बाद फाइनल आंसर की रिलीज़ करता है, आप सब लोग जानते हैं। तो मैं फाइनल आंसर की यूज़ करती हूँ आंसर्स के लिए। मैंने कोई भी सिंगल आंसर भी अपनी ओर से नहीं बताया है, मैंने फाइनल आंसर की का यूज़ किया है। और कहीं भी अगर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है लाइक साइंस में या इंग्लिश में या मैथमेटिक्स में, तो वो मैं तभी देती हूँ जब मैं पूरी तरह से श्योर होती हूँ कि हाँ ये चीज़ ऑथेंटिक है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप अपनी तैयारी को मजबूत करें और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो इस चैनल को सपोर्ट करें। ओके, ऑल द बेस्ट।